नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के उन टॉपिक के ऊपर जिनको मैंने आपको अभी हाल ही में वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ाना शुरू किया है और डिटेल मैंने आपको बहुत सारा पढ़ा दिया हूँ। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एशिया महाद्वीप में आसियान कंट्रीज के बारे में और सार्क कंट्रीज के बारे में, तो डिटेल आपको मैंने पढ़ाया उन क्लास में। और जो विद्यार्थी क्लास में डिटेल पढ़ने के लिए आ रहा है उसके लेवल ही बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू करें। तो आज इसी के पर्पज़ से कि आपको जो डिटेल मैंने पढ़ाया हूँ ऑफलाइन क्लास में, बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी दिया हूँ, उसी का हाईलाइट जो आप एक साथ पूरे के पूरे कंट्रीज को कैसे याद करेंगे, और जो विद्यार्थियों ने डिटेल वाला नहीं पढ़ा है वो कम से कम ये शॉर्ट वाला कवर कर लेगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज बताने वाला हूँ, चाहे वो आसियान कंट्रीज हो या फिर सार कंट्रीज हो, जैसे ताइवान है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मिडनाओ है, लुजोन है, इंडोनेशिया है, ढेर सारे देश यहाँ पर है, चाहे वो ईरान, इराक, जॉर्डन देश है ना। जिस प्रकार से मैंने पढ़ाया हूँ पूरा विस्तार पूर्वक, उसका शॉर्ट आपको आने वाला है। और जिन जिन विद्यार्थियों ने ये पूरा वीडियो जो है ऑफलाइन क्लासेस में पूरा पढ़ा हुआ है, डिटेल पढ़ा है, वो एक साथ इस वीडियो को पूरा देख लेगा और नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना के वो लेके आएगा कि जो आज मैंने पढ़ाया हूँ उसको आपने याद तो कर ही लिया है। तो आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा और एक बार जब लिखोगे आप तो कंठस्थ हो जाएगा, भूलोगे नहीं। जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर कि हमें पूरा कंठस्थ हो जाता है कि पूरे दुनिया के 262 देशों में से पूरे देश हमको दिखते हैं कि कौन से देश कहाँ कहाँ स्थित है, उनकी राजधानी क्या है, किस प्रकार से क्या बना हुआ है। ये आकृति कब आपके माइंड में क्लिक करेगी? जब आप डिटेल पढ़ोगे। तो आइए हम लोग यहाँ समझते हैं, कुछ जानकारी देखेंगे आप। इस प्रकार साथ ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश। बहुत कुछ जानकारी आपको नई नई मिलने वाली है ना। जैसे यहाँ पर एक ग्लोब बनाता हूँ मैं, ये देखिए, ये 0 डिग्री है, यह भारत देश, यहाँ पर ये है रसिया और यहाँ पर है अमेरिका देश। अब मैं डिटेल पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कि यदि आपने डिटेल पढ़ लिया है ऑफलाइन क्लासेस में, और जो विद्यार्थी अभी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किया है वो कम से कम ज्वाइन कर ले। तो क्योंकि अभी आप देख सकते हैं मैं जो हाईलाइट टॉपिक करवा रहा हूँ, हाईलाइट ही इतने सारा आने आ रहा है आपके लिए, बहुत ज्यादा हाईलाइट ही बहुत आपके लिए बहुत है। तो डिटेल जब मैं पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ा रहा होगा आप सोच सकते हैं, इसलिए आपको ऑफलाइन क्लास करना ज्वाइन करना जरूरी है। तो रसिया, ये भारत देश। अब क्या हुआ है, ये देखो, ये भारत हो गया रसिया, इधर अमेरिका, यहाँ पर अमेरिका लिख लेते हैं, ये भारत देश है, यहाँ पर ये है रसिया। आप बने रहिए, देखिए आपको कितना मजा आने वाला पढ़ने में। तो ये भारत, ये रसिया हो गया, यहाँ इंडिया, ये श्रीलंका। तो श्रीलंका के 2 पॉइंट है, आपको पता होगा, ऊपरी भाग को बोलते हैं जाफना और निचले भाग को बोलते हैं एलिफेंटा। मेरे साथ आप लोग खुद दोहराते जाइए, जो नए विद्यार्थी है उसको तब याद नहीं है, लेकिन पुराना विद्यार्थी जिसने प्लस पॉइंट सारे क्लासेस में जो ऑफलाइन क्लास किया हुआ है उसको पूरा याद है। तो ऊपरी भाग जाफना, नीचे वाला भाग एलिफेंटा। यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं बंदरगाह, जिसका नाम है हम्बन टोटा बंदरगाह, हम्बन टोटा बंदरगाह। और ऊपरी वाले भाग का नाम यहाँ पर है, इसका नाम आपको पता होगा कौन सा है, पॉइंट पेड्रो, ये वाला है। इसके ऊपर भारत ने अटैक किया हुआ था लिट्टे, LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, याद रखना 1987 एक नाम आता है, ठीक है, ये श्रीलंका था। ऐसे ही यहां पर देखना, ये जो है ये है चाइना, चाइना के 4 भाग है, जैसे यहां इसको बोलते थे हम लोग हॉनचीन, ये वाला हॉनचीन है। यहां पर देखेंगे इसको बोलते थे हम लोग मंचूरिया, हॉनचीन मंचूरिया। बीच वाला भाग को बोलते हैं गोबी मरुस्थल, ज्यादा ये वहां पर है, ऊपर मलेशिया उसमें है। यहां पर देखना इसको बोलते हैं हम लोग सिजियांग, सिजियांग जो क्षेत्र है, सिजियांग क्षेत्र की विशेषता आपको पता होगा, यहीं पर उइगर मुसलमान, उइगर मुस्लिम के लिए ये स्थान फेमस है। और उसके बाद में ये वाला क्षेत्र को बोलते हैं तिब्बत, ये तिब्बत है, और ये वाला क्षेत्र को बोलते हैं अक्साई चाइना। अच्छा, हॉनचीन जो चाइना है उसने तिब्बत के ऊपर अटैक किया था 1959 में, और अक्साई चीन के ऊपर अटैक किया था 1962 में, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हॉनचीन। अच्छा, अब चाइना के किनारे यहां पर 3 द्वीप है, कौन से, एक तो आपको पता ही था हांगकांग, जिसको ऊपर अमरीक जो है रशिया का किसका कब्जा था, इसके था ब्रिटेन का कब्जा था 1997 तक। उसके बाद में दूसरा यहां पर है मकाऊ,
और तीसरा यहां पर है हेनान, ये इसके ऊपर ब्रिटेन कब्जा, इसके ऊपर पुर्तगाल का कब्जा, और हेनान प्रांत के ऊपर आप बता दूं मैं कि जो चाइना देश है, चाइना देश का एक सैन्य अड्डा इसके ऊपर स्थित है, ये आपको याद कर लेना होगा। तो ये चाइना प्रदेश हुआ। उसी प्रकार से अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, ये चाइना। तो चाइना में साथियों आप यदि बात करेंगे तो यहां जो है यहां पर है बीजिंग, बीजिंग इस क्षेत्र को बोलेंगे। यहां पर देखना आप तो यहां वुहान शहर है, यहां देखना शंघाई शहर है, ठीक है, और इस प्रकार से चाइना बसा हुआ है। अच्छा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये है पाकिस्तान। अब ये ऊपर जो क्षेत्र साथ ये वाला जैसे आप बात करें मंचूरिया, इसके ऊपर मंगोलिया वाला जो देश है, मंगोलिया ये भारत के बाजू में चाइना, चाइना के बाजू मंगोलिया यहाँ पर है। तो मंगोलिया का अधिपत्य में था कौन सा, मंचूरिया प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए ये यहाँ पर है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, ये वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान की चार पहाड़ियों के नाम कौन सी, ये देखिए इसका नाम है किरथर की पहाड़ी, इसका नाम है सुलेमान की पहाड़ी, इसका नाम है मकरान की पहाड़ी, और इसका नाम है कौन सा, नमक की पहाड़ी। ये चार पहाड़ी यहाँ पर है, किरथर की पहाड़ी, सुलेमान की पहाड़ी, मकरान की पहाड़ी, नमक की पहाड़ी। अच्छा यहाँ पर चार क्षेत्र है पाए जाते हैं, कौन से चार क्षेत्र, मेरे साथ बोलेंगे जो पुराने विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देख पा रहे हैं, मेरे साथ बोलिए पूरा का पूरा। ये चार प्रदेश बोलिए यहाँ पर, यहाँ कौन कौन से है, इसको बोलते हैं हम लोग बलूचिस्तान, ये वाला क्षेत्र को बोलते हैं सिंध प्रांत, ये क्षेत्र जो है आपको पता है ये वाला पंजाब प्रांत है, और ये वाला क्षेत्र को हम बोल देते हैं कौन सा, खैबर पख्तून, खैबर पख्तून क्षेत्र कहते हैं ये वाला। तो ये खैबर पख्तून क्षेत्र ये आतंकवादी से प्रभावित है वाला, ये वाला खैबर, और ये बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान हमारा भारत का मित्रवत रूप से काम करता है, भारत सपोर्ट करता है, जैसे खैबर पाक जो खैबर पख्तून है ये आतंकवाद को समर्थन करता है। भारत के बाजू में यहाँ पर है ये हो गया कौन सा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान इसको अफगानिस्तान से लगा हुआ है खैबर पख्तून, और हमारे जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है खैबर पख्तून। उम्मीद करूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा अपन आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं, ये देखिए ये है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र है यहाँ पर, ये है अफगानिस्तान जिसकी सीमा भारत से लगती है 106 किलोमीटर, और भारत देश ने इसको सपोर्ट करने का काम किया है। 2020 में भारत देश ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया हुआ है, कहे से एक तो सलमा बांध का निर्माण किया हुआ था, दूसरा यहाँ की संसद का निर्माण भारत ने किया है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर भारत ने इसको देने का काम किया है। 2020 में पहले 70 टन गेहूं दिया हुआ था, फिर 10 टन गेहूं दिया हुआ था, उसके बाद में 70 टन, उसके बाद में अभी 2021 में 50,000 टन गेहूं भी इनको दे दिया गया है। और यहाँ से जो रास्ता है, ये रास्ता में बहुत ज्यादा अड़चन आती है, बहुत समस्या बनती है, इसीलिए क्या हुआ है, भारत देश ने, भारत को देखना है यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है ईरान, ईरान देश में यहाँ पर चबहार बंदरगाह बना रहा है, चबहार बंदरगाह। तो भारत देश से चबहार बंदरगाह तक जहाज से जाएंगे हम लोग, और जहाज से जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में यहाँ पर जेदान प्रांत है, और इस जेदान प्रांत से हम जाएंगे यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान में दुशानबे नामक स्थान तक हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ये क्षेत्र हो जाएगा काहे के लिए, ये जो हमारा रास्ता हो जाएगा इस प्रकार से। यदि चाइना, जैसे चाइना ने क्या किया है, ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ चाइना, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ से लेकर रास्ता बना दिया है चाइना ने, ये वाला कौन सा वाला, तो यहाँ जो चाइना रास्ता बनाया है इसका नाम है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर दिया गया है। अच्छा उसके बाद में यहाँ पर देखना ये क्षेत्र है पाकिस्तान वाला कौन सा, ये देखिए ये है भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर पाकिस्तान, साथ ही यहाँ पर एक बंदरगाह जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह, इस ग्वादर बंदरगाह के ऊपर चाइना का अधिकार है, जिसने चाइना को ये जो है चाइना से लोन लिया था पाकिस्तान ने और वापस नहीं लौटाया, इसीलिए ग्वादर बंदरगाह के ऊपर अधिकार कर लिया किसने, चाइना ने। जैसे श्रीलंका देश में हम्बन टोटा पर अधिकार अभी चाइना का है, और यहाँ देखना म्यांमार देश, और म्यांमार देश के बाजू में यहाँ पर कोको द्वीप है, इस कोको द्वीप पर भी म्यांमार देश ने अधिकार कर लिया है, इसने चाइना देश ने अधिकार कर लिया है कोको द्वीप के ऊपर भी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, देखिए
फिर यहाँ थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इस प्रकार से भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश और म्यांमार देश के हम देखते हैं साथियों। म्यांमार जो देश है, यहाँ म्यांमार देश में ये जो बंदरगाह है, यहाँ पर इसका नाम है सितवे बंदरगाह, सितवे, और सितवे बंदरगाह तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कलकत्ता बंदरगाह, इस प्रकार से हम जाएंगे इस रास्ते से, और जाने के बाद यहाँ से एक नदी है, इस नदी का नाम है कालादान नदी, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कालादान, इस कालादान नदी के माध्यम से ऐसा हम करके वहां जाएंगे, इस नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में हम जा सकते हैं, ये भी रास्ता आपको मैंने बताया था। उसके अलावा ये जो अफगानिस्तान है, इसमें दो नदी है, कौन सी, एक के नाम है सरावती, दो नदियां याद रखना होगा आपको यहां पर, इरावती नदी यहां पर है एक, और दूसरी नदी यहां पर, एक तो इरावती नदी और दूसरा यहां पर जो इसका नाम है साल्विन नदी, साल्विन, और बीच वाला जो भाग इसको बोलते हैं हम लोग सान का पठार, जो धान खेती के लिए फेमस है, और यहां पर एक ये है रंगून नामक स्थान है, ये राजधानी रंगून, रंगून गया मेरा पिया, जहां से किया है टेलीफोन की तेरी याद सताती है, सही बात है कि नहीं, तो ये रंगून प्रदेश है, और इसके बाजू में है नेपेताओ, ये वर्तमान में म्यांमार देश की राजधानी है। अच्छा, तो ये हो गया आपका म्यांमार देश, उसी प्रकार थोड़ा और आगे देखेंगे, ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, इसके बाजू में आप देखेंगे साथ ही यहाँ जो है लाओस है, चाइना ने इसको लोन दिया हुआ था बिजली घर बनाने के लिए, लेकिन बिजली घर नहीं बना सका, यहाँ पर नदी बहती है, उस नदी का नाम है मेकोंग नदी, और इस मेकोंग नदी से वो पुल टूट गया, बह गया, यहाँ जो लाओस देश है, लाओस देश बेचारा हानि में चला गया, और इसके ऊपर चाइना अधिकार कर लिया है इसके बिजली घर के ऊपर, भारत देश को इसको सपोर्ट में आना चाहिए, और यहाँ पर जितने बिजली घर है वो भारत देश को इसके वापस पैसा दे करके इसको लाओस देश को सपोर्ट थोड़ा करना चाहिए। लाओस के बाजू में यहाँ पर देखना वियतनाम देश है, इसके बाजू में देखेंगे आप तो इस ये जो साथियों ये है जापान देश, इस प्रकार से फैला हुआ है, जापान देश को हम मिलते हैं जो ऊपरी वाला जो द्वीप है, जापान देश में 3900 द्वीप है, अब 3900 द्वीप है तो ऊपरी वाले भाग को हम बोलते हैं होकेडो द्वीप, होकेडो, उसके बीच वाले को बोल देते हैं हम लोग ये वाला होन्सु, ये वाला है सिकयुसु, सिकयुसु, और ये वाला क्यूसु। साथियों जापान के ऊपर यहाँ पर आप देखोगे तो होन्सु के ऊपर बहुत सारे स्थान है, जैसे यहाँ पर सुजुकी शहर है, यहाँ पर कावासाकी शहर है, यहाँ पर होंडाई शहर है, और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ओसाका, नागोया, क्योटो और टोक्यो, ये है। ओसाका को बोलते हैं जापान का मैनचेस्टर, नगोया को कहते हैं जापान का डेट्रॉइट, क्योटो को कहते हैं इसका सुंदर शहर, सांस्कृतिक राजधानी, और टोक्यो और राजधानी है। सिकयुसु यहीं पर है हिरोशिमा, जिसके ऊपर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने गिराया था B-29 विमान के माध्यम से, लिटिल बॉय नाम का बम गिराया था, ये यूरेनियम का बना हुआ था, और सिकयुसु के ऊपर यहां पर जो है ये है हिरोशिमा, यहां पर है नागासाकी, तो नागासाकी के ऊपर बम गिराया था अमेरिका ने, यहां 6 अगस्त, तो यहां पर 9 अगस्त 1945 को गिराया था, पहली बात। दूसरा ये गिराया था B-52 विमान के माध्यम से, मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया हूं, पूरा विस्तार पूर्वक मैंने करवाया हूं ऑफलाइन क्लास में, और अभी लगातार करवा रहा हूं, इतना जो मैं बता रहा हूं इतना अभी हुआ है, एक देश एक दिन में हुआ है, इतना सारा मैंने कवर करवा दिया हूं, अब टॉपिक वाइज आपका शुरू हो रहा है तो उसको आप ऑफलाइन क्लास में बिल्कुल कवर कर सकेंगे। तो B-52 विमान के माध्यम से, जैसे मैंने पूरा विस्तार करवाया था कि अमेरिका देश ने किस प्रकार हवा से बच गया है, कौन सी हवा थी, जापान जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट गया है तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाकर के किस प्रकार से जापान ने केस दर्ज किया अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका ने सपोर्ट मांगा कोरिया का, इस प्रकार से मैंने पूरा करवाया हूं। तो 9 अगस्त 1945 को B-52 विमान के माध्यम से नागासाकी के ऊपर प्लूटोनियम बम गिरा दिया गया था, इसे लाखों संख्या में लोग यहां पर मारे, अमेरिका ने बदला लिया जापान से, जबकि जापान देश ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया हुआ था, इस प्रकार से ग्लोब बनाएंगे 0 डिग्री, यहां जापान देश है और यहां अमेरिका है, जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नामक स्थान पर अटैक किया था 1939 में, और इससे क्या हुआ था, जापान ने जो सैन्य अड्डा है किसका अमेरिका का, उसको तहस नहस कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था।
अच्छा, इसके अलावा यदि हम थोड़ा बात करेंगे और, तो ये भारत देश हो गया, म्यांमार है, इसके बाजू देखना ये इंडोनेशिया है, ये वाला इंडोनेशिया में यहाँ पर सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा के बाजू में यहाँ पर जावा, यही बाजू में आप यहाँ देखना जावा के नीचे, जावा के नीचे सुंडागर्त है और सुंडा के बाजू में यहाँ पर बाली द्वीप है, ये भी याद रखना होगा। जावा के ऊपर जकार्ता नाम का शहर है और यही राजधानी है किसकी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जकार्ता इंडोनेशिया। इसकी विशेषता मैंने करवाया था आपको ऑफलाइन क्लास में कि जो इंडोनेशिया है इसमें 13,000 द्वीप है, इसीलिए इसको बोलते हैं विश्व का पहला ऐसा देश है जो द्वीपों वाला द्वीप है, द्वीप समूह वाला देश किसे कहते हैं, तो जकार्ता को इंडोनेशिया कहते हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश के रूप में यही वाला देश है, तो मुस्लिम देश है। सुमात्रा के ऊपर एक राजा था जिस राजा का नाम था शैलेंद्र सिंह राजा, ये मैंने आपको करवाया था। अच्छा, और भी मैंने आपको काफी कुछ टॉपिक करवाया हूँ, जैसे ये भारत का मानचित्र या मध्य प्रदेश, यहाँ बाजू में फिलीपींस है, फिलीपींस में दो भाग है, ऊपरी भाग को हम लुजोन कहते हैं और निचले वाले भाग को मिंडानाओ कहते हैं, मिंडानाओ। और जो लुजोन है, लुजोन के ऊपर, यहाँ लुजोन के ऊपर ही अब बताया था मैंने कि यहाँ पर राजधानी है इंडोनेशिया इसकी, फिलीपींस की राजधानी मनीला। और यहाँ दो चीजें हैं, एक तो कैपिटल इसकी खुद हो गई और दूसरा यहाँ पर एडीबी का स्थापना, हेड ऑफिस है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और तीसरी बात है यहाँ इंटरनेशनल पिकल्स, यहाँ राइस, इंटरनेशनल राइस मतलब अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी यहाँ पर की गई है। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। और यदि आपको पसंद आया है ये वाला, यदि ऐसा आपको और भी देशों के बारे में कवर करना है तो मुझे कमेंट्स कर देना, तो मैं आपको और भी जो देश है वो देश के बारे में आपको करवा दूंगा। चलिए, अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।